सर चढ़ के बोलता है उर्दू जबां का जादू, हिंदोस्तां की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदोस्तां का जादू, उर्दू जबां का जादू, हिंदोस्तां का जादू, सारे जहां का जादू। इससे पहले कि हम आज की इस रूबरू गुफ्तगू का आगाज करें, हम चाहेंगे कि मुख्तसर सा तारुफ उन दो शख्सियात का करा दें जो थोड़ी देर में यहाँ पर इस स्टेज की रौनक को दुबाला करेंगे। एक मशहूर व मारूफ शायर, नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर दुनियाए अदब और फिल्म इंडस्ट्री में जिस हस्ती पर नाजा हैं, उन्हें हम जावेद अख्तर साहब के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और आप पर नाज है हमें। जिस तरह अपने ख़ानदान की इल्मी और अदबी जो इनका तहजीबी रिवायात हैं, उनकी न सिर्फ ये कि पासदारी की है बल्कि आपने उसे औज कमाल तक पहुँचाया है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू जानी जाती है वहाँ जावेद अख्तर साहब का नाम बखूबी तौर पर लोग जानते हैं और नाज करते हैं इन पर। हमें यकीन है कि आप कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों की कहानियाँ और मधुर नगमे सिर्फ इनका नाम सुनते ही आपके जहन के पर्दे पर उभर आते होंगे। कई नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड्स आपके नाम से ख़ुद को मोतबर कराकर अपने आप पर नाजा हैं। पद्म भूषण से सरफराज जावेद अख्तर साहब को 2013 में आपके शेर मजमूए लावा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा आपसे रूबरू गुफ्तगू करने के लिए, आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को आश्कार करने के लिए, आपकी खूबसूरत शायरी पर भरपूर गुफ्तगू करने के लिए और हमने मदु किया है एक ऐसी हमजहद शख्सियत को जो स्कॉलर हैं, अदीबा हैं, क्रिटिक हैं, हसास शायरा हैं, इल्म अदब के ख़ानदान से आपको वाबस्ता हैं, विरसे में मिला है। आपके वालिद जोगिंदर पॉल साहब उर्दू फिक्शन की दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि हम जानते हैं कि अपने ख़ानदानी सरमाए को आपने और आगे बढ़ाया है, अपनी शख्सियत के ज़रिए इसे आपने और चार चांद लगाए हैं। विमेन स्टडीज़ हो, लिटरेरी ट्रांसलेशन हो, सकाफती रंगारंगी हो, हिंदुस्तान की अदबी रिवायात पर आपने बहुत काबिल कदर काम किया है। न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई यूनिवर्सिटीज़ में आपने लेक्चर पेश किए हैं और हिंदुस्तान की शान को दुबाला किया है। कई नेशनल और इंटरनेशनल ग्रांट्स, फेलोशिप्स आपके नाम से मुतबर हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोहतरमा डॉक्टर सुकृता पॉल कुमार साहब की। हमें ये उम्मीद है कि इन दोनों शख्सियात की मौजूदगी में ये सेशन बहुत दिलचस्प रहेगा, कामयाब रहेगा। हर एक दरीचा किरण किरण है, हर एक दरीचा किरण किरण है, जहाँ से गुजरे जिधर गए हैं, हम एक दिया आरजू का लेकर बतर्ज शमसो कमर गए हैं। भरपूर तालियों के साथ जनाब जावेद अख्तर साहब और डॉक्टर सुकृता पॉल कुमार साहब, इन दोनों का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबको मेरा आदाब, सबसे पहले आपको। मेरी ज़बान मिली जुली रहेगी, जिसको हम हिंदुस्तानी भी कहेंगे और बीच बीच में अंग्रेज़ी बोल बोल कर जो टंग ट्विस्टिंग हो गई है, ट्विस्टेड हो गई है, तो बीच में बहुत से अल्फाज अंग्रेज़ी के भी होंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया rekhta.org कि आपने मल्टी लिंगुअल, एक जो एक्लेक्टिक लैंग्वेज है, जिसको जिस ज़बान को आपने वो प्लेटफॉर्म दिया है इंटरनेट पर, तो उसी से एक कॉस्मोपॉलिटनिज़म आ गया है उसमें ऑलरेडी, और वो एक्लेक्टिक ही नहीं रही, उसमें बहुत सी ज़बानें समा रही हैं अब। और उसमें ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दूसरी ज़बानों के जो अल्फाज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर घुस रहे हैं और उसको एनरिच कर रहे हैं। और जावेद साहब से ये जो हमारी गुफ्तगू रहेगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं पे कई और दिशाएं उसमें से निकल रही हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि ऐसी हस्ती जावेद साहब के जैसे, जो कि ना ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसी हस्तियां जो हैं वो एक तरह से एक पूरी 7-8 जनरेशन्स, आपने कल 7 जनरेशन्स कहा, तो इतना ज़्यादा आपका वो विरासत में जो आपको मिला हुआ है, और उसमें हर जनरेशन में मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा था, इसीलिए ये डायनामिज़म जो ज़बान का होता है वो इतना तरोताज़ा है। और सबसे पहले जावेद साहब, मुझे ये लगता है कि हम इसी से शुरुआत करें कि इसको हम जश्न-ए-रेख्ता कह रहे हैं,
तो ये रेख्ता जो लफ्ज़ है इसके बारे में आप ज़रा गौर कीजिए और बताइए कि ये कहाँ से शुरुआत और इसको क्या हम ये जानबूझ के रेख्ता कहा गया है, ये जश्न रेख्ता, तो इसके पीछे क्या है बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन हज़रात का जो तशरीफ़ लाए। इस सवाल के जवाब से पहले मैं दो एक बातें कहना चाहूँगा। एक तो खातून जिन्होंने मेरा तारुफ कराया और बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मालूम नहीं आप लोगों का क्या तासुर है लेकिन मैं तो अब बेताब हो चुका हूँ अपनी बातें सुनने के लिए। और आप ये देखें, कभी कभी मुझे हैरत होती है दुनिया कैसे चल रही है। अब यहाँ हमारे सामने इंतज़ार हुसैन साहब बैठे हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, यहाँ अशफाक हुसैन साहब हैं, लेकिन उर्दू अदब पे मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सब नहीं होता तो फिर दुनिया जन्नत ना बन जाती। तो बहरहाल जहाँ तक आपने एक बात कही जो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि ज़बान में नए नए अल्फाज शामिल हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। मेरे ख़्याल से जिस दिन ज़बान बनती है उसी दिन से काम शुरू हो जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने आब हयात में इसका काफ़ी ज़िक्र किया है कि हमारी ज़बान में कहाँ कहाँ के अल्फाज हैं। मैं ये बात यहीं से शुरू करता हूँ और आपको एक छोटा सा एक कुछ जुमले सुनाता हूँ। और यहाँ पर ज़ाहिर है कि उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग भी बैठे हुए हैं, तो अगर कोई लफ्ज़ जो है मुश्किल लगे, ऐसा लगे आपको कि भाई इसके माने नहीं मालूम, तो आप हाथ उठाइएगा कि ये लफ्ज़ के माने हमको नहीं मालूम। जो आम हिंदुस्तानी ज़बान है ये हम बोलते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा नाश्ता करने के लिए बैठे, बावर्ची नाश्ता लाया, नाश्ते में उड़द की दाल, नाश्ता करने से पहले नहा लिए एक बाल्टी में के पानी से, उसके बाद बावर्ची नाश्ता लाया, उड़द की दाल और टोस्ट था, नाश्ता करने के बाद वो उठा, चीख हटाई, संदूक खोला, उसमें से एक पिस्तौल निकाला, दीवार पर टंगी, बंदूक ली और चला गया, बच्चा बेबस देखता रहा। कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई लफ्ज़ मुश्किल तो नहीं पड़ा जी। अच्छा, अब चलिए चलते हैं। एक मकान में मकान अरबी है कि कमरे में कमरा इटालियन है, बाल्टी से नहाए बाल्टी पुर्तगीज़ है, नन्हा मुन्ना गोरा चिट्टा मर्द में चिट्टा पंजाबी है, नन्हा मुन्ना बच्चा में नन्हा गुजराती है, बच्चा पर्शियन है, उरद तमिल है, टोस्ट अंग्रेज़ी है, टोस्ट चिक टर्किश है, संदूक टर्किश है, पिस्तौल इंग्लिश है पिस्टल, दीवार फारसी है, बंदूक टर्किश है, बेबस संस्कृत है। जिसे हम ज़बान की प्योरिटी, बहुत से लोगों को शौक, उर्दू वालों को भी शौक़ है, हिंदी वालों को भी शौक़ है, और ऐसी उर्दू सुनने को आती है जो मेरी तो नहीं है, मैं तो बेचारा सिर्फ लखनऊ का रहने वाला हूँ, और ऐसी हिंदी भी सुनने को आती है जो मेरी नहीं है इसलिए कि मैं सिर्फ लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने ये भी सुना है कि सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, तावक्त दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि लीड वॉइस फर्स्ट लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रहा है। मैंने ये भी सुना है कि एक पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त गरा कुंदरा उपजित भूषण पर प्रदान करो, इसका मतलब एक प्याली चाय दे दो। तो ये जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है ये ऐसा ही है कि आप एक प्याज के छिलके उतारना शुरू करें प्याज को ढूंढने के लिए, प्याज छिलके ही है ज़बान। बहुत अच्छा। अब अच्छा, इसमें हमारा, हम लोगों का, चाहे वो हिंदी के लोग हों या उर्दू के लोग हों, रवैया कुछ और है,
और अंग्रेज़ का रवैया कुछ और है। वो हर बार फ़ख्र से बताते हैं कि इस बार जो हमने डिक्शनरी छापी है उसमें हमने 60 लफ्ज़ और बढ़ाए हैं। हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि पिछले दिनों 200 लफ्ज़ हमने निकाल दिए। तो ये क्या प्योरिटी का मकसद क्या है, मतलब क्या है, प्योरिटी किस चीज़ की है? सवाल ये है कि मालूम ही होना चाहिए कि ज़बान है क्या जो हम आएंगे रेख्ता पे। ज़बान कहते किसे हैं? ज़बान क्या रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट है? तो आपको अमजद साहब बताएंगे, अशफाक साहब बताएंगे कि पंजाबी तो 3 ज़बानों में स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उर्दू रस्मुल ख़त में, पाकिस्तान में लिखते हैं लोग, हिंदुस्तान में देवनागरी में लिखते हैं और पंजाब में गुरमुखी में भी लिखी जाती है, मगर रहती तो पंजाबी है। ये तीनों रस्मुल ख़त के बावजूद पंजाबी पंजाबी ही रहती है। अगर मैं पोस्टर देखता हूँ, कुछ कुछ होता है KUCH HKUCH HHAI HOTA, तो ये अंग्रेज़ी है? नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं होती ज़बान। अगर स्क्रिप्ट ज़बान होती हो तो सिवाय परहैप्स एक्सेप्ट फॉर रशियन ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस विल बी वन लैंग्वेज। वो लैटिन है, वो स्क्रिप्ट तो लैटिन है साहब। अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं होती तो वोकेबलरी होती होगी। तो मैं अगर ये कहूँ ये हॉल एयर कंडीशनड, मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा अंग्रेज़ी। हालांकि 4 लफ्ज़ मैंने बोले हैं, उनमें जो 2 अहम लफ्ज़ हैं जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अंग्रेज़ी में है, हॉल एयर कंडीशन। ये एक तरफ मामूली सा ये लगा हुआ है, उधर है लगा हुआ है, और ये अंग्रेज़ी नहीं रही। सिंटैक्स है, ग्रामर है ज़बान। तो अपनी वोकेबलरी में नए लफ्ज़ लाने से इसलिए नहीं डरने की ज़रूरत है कि वोकेबलरी ज़बान है ही नहीं, ज़बान तो सिंटैक्स है। तो जब तक हमारी सिंटैक्स सलामत है, हम जा रहा हूँ नहीं बोल रहे आप, तब तक सब ठीक है। अब आइए रेख्ता की तरफ चलते हैं। जहाँ तक रेख्ता का ताल्लुक़ है, ये भी दरअसल अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जो मिक्सचर होता है ज़बान का, ये लफ्ज़ भी वहीं से आता है जहाँ चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ नए कलम लगाए जा रहे हैं। उर्दू शायरी और दूसरे ज़बानों की शायरी में एक फ़र्क है, और उस फ़ख्र पे हम जितना भी फ़ख्र करें इस फ़र्क पे वो कम है। वो चाहे लैटिन पोइट्री हो, ग्रीक पोइट्री हो, या अंग्रेज़ी शायरी हो, या संस्कृत हो, या कोई भी ज़बान हो आप देखेंगे, या अरबिक शायरी हो, शायरी शुरू होती है खुदा की तारीफ़ या अपनी डेटी की तारीफ़। उनमें वो जो भी इबादत गाहें हों वहाँ की, वहाँ शुरू होती है, और उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक तो दूसरे मौजूआत भी उसमें आना शुरू होते हैं। उर्दू एक वाहिद शायरी है जो पहले दिन से ही इबादत गाह से बाहर थी। ये पहले दिन से ही सेकुलर, पहले ही दिन से एंटी फंडामेंटलिज्म, पहले दिन से ही एंटी रिग्रेसिव थाट्स एंड कंजर्वेटिव थाट थी। ये मिसाल आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये ज़रूर है कि उसके बाद उसमें बहुत कुछ आया है ज़मानों ने, ऐसा हम कोई ठेका नहीं ले रहे हैं कि ये सिर्फ हमने ही ऐसी अच्छी बातें कही हैं या की हैं, लेकिन हम एक बात पे फख्र करते हैं कि हमने पहले दिन से की। जावेद साहब, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कुछ हैरत की बात है कि आयरोनिकल है कि कॉम्युनलिज्म इसके साथ जुड़ा है अब, कि उर्दू ज़बान जो है वो मुसलमान की है और हिंदी जो है वो हिंदू की है। ये और इसकी काफ़ी वो हिस्ट्री है। यहाँ तो कह दिया, तमिलनाडु में ना कहिएगा। तो ये नहीं, लेकिन ये होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो आपने भी कहीं कहा कि उर्दू का जो की स्क्रिप्ट तो सिमट रही है लेकिन ज़ुबान फैल रही है, ये आपने कहा।
लेकिन साथ आप ये भी समझते हैं कि कैसे उर्दू और हिंदी का डिवाइड जो है वो 1803 में शायद फोर्ट विलियम कॉलेज में कोशिश की गई कि वो हिंदी हिंदी बन जाए और उर्दू उर्दू हो जाए, और उसकी जो हिस्ट्री है सारी हिंदवी की और रेखता की वो उसकी तबाही हो जाए। और 1947 में शायद वो कुछ हुआ भी, एलियनेट कर दिया गया, तो उस पर कुछ गौर कीजिए। भाई बुरे कामों में एक बात बहुत अच्छी होती है कि आमतौर से कामयाब हो जाते हैं। तो वो ये भी हुआ। ये जो पूरा आइडिया है यही अब्सर्ड। जबान रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की नहीं होती, हो ही नहीं सकती। इलॉजिकल बात। भाई पंजाब की जबान पंजाबी होगी, बंगाल की जबान बंगाली होगी, गुजरात की जबान गुजराती होगी, सिंध की जबान सिंधी होगी, इलाकों की जबान होती है, फ्रांस की जबान फ्रांसीसी है, जर्मन की जबान जर्मन है, इटली की जबान इटालियन है। ये पहली दफ़ा हमने सुना कि भाई जबान के मज़हब भी होता है। कमाल यह है कि जिस शहर में इस वक्त आप बैठे हैं, 1798 कोई बहुत दिन हुए हुए इंसान की तारीख में, दो साल और मिला लीजिए तो 19th century शुरू हो जाती है, 18th century शुरू हो जाती है। तो 19th century ज़रा देखिए, अब आप शायरी भी करें हिसाब भी सही रखें, मुश्किल दोनों काम नहीं हो सकते। आप बताइए जो करना वो कर देता हूँ। तो शाह अब्दुल कादिर साहब नाम के एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया 1798 में, और उनको कुफ्र के फतवे दे दिए गए, बावजूद उसके कि वो एक नहायत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उन लोगों का जो है स्टेटस था रिलीजियस ग्रुप्स में, उसके बावजूद कि ये इतनी गंदी ज़बान में इतनी मोहतरम और इतनी मुकद्दस किताब का इसने तर्जुमा कर दिया 1798, और उसके 70-80 साल बाद इस ज़बान के सर पे टोपी रख दी गई 70-80 साल में। तो देखिए ये भी कमाल होता है, फंडामेंटलिस्ट की जो थिंकिंग है वो कैसी सिमिलर होती है। ये जो शाह अब्दुल कादिर के साथ हुआ यही तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास ने उससे 200-250 साल पहले जब रामायण तर्जुमा की थी रामचरितमानस के, उसमें तर्जुमा तो मैं नहीं कहूँगा, ये उनका वर्जन था रामचरितमानस, तो उनको निकाला दे दिया गया था, हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने चौपाई लिखी हो, मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कि जुलाहा कोहू, कोहू की बेटी से बेटा न ब्याहब कोहू कि जात बिगाड़ न चोहू, मांग के खैबो मस्जिद में रहबो, मस्जिद मस्जिद मांग के खैबो मस्जिद में रहबो, लेबे का एक न देबे का दोहू। तो जहाँ जो फ्री थिंकर होते हैं, जहाँ जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, वो हर थॉट को हर चीज़ को रिलीजन को पहुँचा रहे हैं कॉमन मैन तक उर्दू में या अवधि में, ये भी बर्दाश्त नहीं फंडामेंटलिस्ट को, बाकी बातें तो छोड़िए। तो बहरहाल वापस आइए मौजू पे कि ये ज़बान जो है इसको एक बहुत सही तरीका होता है कि आप तारीख के अलग अलग वर्जन बना सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि अकबर जो था वो बाहर का था, महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के थे। आप ये बता सकते हैं कि महमूद गज़नवी के सीने में ईमान की आग थी और वो बुतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन बामियान उसकी हुकूमत के सेंटर में थे, पता नहीं उन्हें क्यों बर्दाश्त करता था, उसे सोमनाथ क्यों आना पड़ता था। अब ये सब अलग कहानियाँ हैं। तो ये आप एक मुस्लिम वर्जन एक हिंदू वर्जन हिस्ट्री का बना लीजिए, आपने बना लिया टू नेशन थ्योरी के लिए। आपने वहाँ लाला लल्लू लाल की निगरानी में ये भी किया कि ज़बानों को आपने किया, उर्दू से ऐसे लफ्ज जिसे मालूम हो कि एक किस ज़मीन से होगी है वो निकालने की कोशिश की गई। क्या भाई
कुली कुतुब शाह तो सजन लिख लेता था, अब सजन हिंदू हो गया, सजन मुसलमान नहीं होता, फिर ये नई बातें मालूम हुई। तो ज़बान को भी बहुत हद तक अलग करने की कुछ हुकूमत ने और कुछ उनके एजेंट्स ने, उनके चाहने वालों ने, उनकी सरपरस्ती में ये काम किए, उसको पर्शनाइज किया, उसे संस्कृताइज किया, ये सब हुआ। लेकिन ये इलॉजिकल है। अब क्या है कि कितना कर लेते, बाकी चीज़ें तो बांट लोगे, ज़बान कैसे बांटोगे? उर्दू तो इतनी, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि सेकुलर एंटी फंडामेंटलिज्म लैंग्वेज थी, कि वो सबूत थी एक कॉम्पोजिट कल्चर की, तो उसमें बांटते कैसे? भाई ये तो कह नहीं सकते थे कि पाकिस्तान वाले नाउन रख लें, हम लोग वर्ब रख लेंगे, ये तो नहीं हो सकता था। तो उस ज़बान को एक तरफ तो ढकेलना ही था, या इधर या उधर। यहाँ पर हिंदी तैयार की जा रही थी, उन्होंने उर्दू उधर दे दी। उर्दू कहाँ गई? जहाँ से पैदा, सिंध में, पख्तून और बिल्लोच के पास, बंगाली के पास। और कहाँ से चली गई? लखनऊ से, दिल्ली से। ये सही हुआ सिंधी के साथ, बंगाली के साथ, पठान के साथ, या दिल्ली वाले के साथ, या लखनऊ वाले के साथ? ये पूछना है, कोई सवाल ही नहीं है। और इसका जवाब भी क्या आप देंगे और मैं दूंगा? तो ये एक गलत सी बात हुई थी, और उसमें उस अल्टर पे उस ज़बान की कुर्बानी दी गई, जो ज़बान इस तमाम तरह की तमाम तहरीकों और इस ज़बान ज़रा इस किस्म की तमाम ज़हनियत और इस मिजाज के ही ख़िलाफ़ थी। कुर्बानी उसकी दी गई। बहरहाल मुझे तो, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, मगर फिर भी ये शिकायत है अपने समाज से भी और अपनी हुकूमत से भी कि हम कश्मीर का तो दावा नहीं मानते पाकिस्तान का, हमने उर्दू का क्यों मान लिया? ये भी हमारी ज़बान है भाई। आपने मान लिया? उन्होंने कहा आपने मान लिया, बहुत अनफेयर बात है, मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई। तो अब हो ये रहा है कि जब ये मान लिया गया, आप ज़रा देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टिल पाकिस्तान वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ आइडिया बाई कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा था, वहाँ जिक्र भी नहीं था हिंदी होगी नेशनल लैंग्वेज या उर्दू होगी, और हिंदुस्तानी ही की बात होती। उसके बाद ये हुआ। चलो खैर, अब जो हो गया वो तो तारीख है, कुछ कर नहीं सकते आप उसका। तो होता क्या है कि जब ये सौतेला व्यवहार आता है, मुझे अफसोस है लेकिन हकीकत है कि ज़बानें अपनी शायरी से और अपने अदब से ज़िंदा नहीं रहती हैं, ज़बानें अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट से ज़िंदा रहती हैं। मतलब चाइना में आज अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, और अमेरिका में लोग चाइनीज़ पढ़ रहे हैं। तो वजह ये है, ऐसा थोड़ी है कि उनको फाहियान के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पढ़नी है। वो वजह ये है कि जब आप इकोनॉमिक एडवांटेजेस पैदा होते हैं तो आप पढ़ते हैं, तो वो ख़त्म हो गया। तो भाई लोग धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन ये ज़बान जो है, ये बादशाहों की बनाई हुई ज़बान नहीं है, ये कोई हुकूमत की लादी हुई ज़बान नहीं है। अब मुग़ल आज़म में अकबर बोल रहे थे, दरोगा ज़िंदाओं ले जाओ इस फितने को और ये वो, बेचारे अकबर को तो मालूम ही नहीं होगा दुनिया में कोई उर्दू ज़बान है, मोस्ट प्रॉब्ली तब तक इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, तो उसे गरीब को पता ही नहीं होगा। तो ये अवाम की ज़बान है, इसे अवाम ने पाला पोसा है, और जब बड़ी हो गई हो किसी काबिल हुई, तब नवाबों राजाओं बादशाहों, जो बादशाह तो खैर बचे नहीं थे बेचारे तब तक, और प्यार से हम लोग बहादुर शाह को बादशाह कहते हैं, तो इन लोगों तो तक तो तब पहुंची जब वो बन चुकी थी, जब वो हो चुकी थी। तो जो अवाम की चीज़ है वो अवाम के दिल में है, तो शायद इसी, और वो निकलती नहीं। तो शायद इसीलिए हम हिंदी फिल्म को, मतलब हिंदी फिल्म कहते हैं, और ज़बान जो है वो उर्दू बोली जाती है, उसको उर्दू। खैर, अब तो ये शिकायत दूर हो चुकी है, अब कोई ज़बान नहीं बोली जाती।
तो वो दिन गए जब हमारी फिल्मों में ज़बान होती थी, अब हम बेज़बान हो चुके हैं, बल्कि बदज़बान। तो वो जो स्क्रिप्ट तो, किस में लिखी जाती है? जी, रोमन में? मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से पेट्रन जिसकी ख़त्म हुई, तो जितने उर्दू के अदीब शायर थे, राइटर्स थे, आप एक लिस्ट है लंबी, वो हिंदुस्तानी सिनेमा में गए। उसकी वजह है कि अगर आप सरकारी रेडियो स्टेशन से कुछ के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो आपको परवाह ही नहीं है कि कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो भी वही तनख्वाह है, नहीं हो रहा है तो वो भी तनख्वाह है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के काम में हैं, जहाँ आपकी लाइफ का और आपका दारोमदार अगले साल की कमाई का है, कि भाई काम अगर सही होगा तो नौकरी मिलेगी, तो वहाँ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप फिल्म बना रहे हैं जिसमें आपने पैसा लगाया है या आपने सूद पे पैसा लेके लगाया है, तो आप चाहते हैं फिल्म चले, लोगों तक पहुँचे बात, तो आप वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे। आज भी आप चैनल देखिए, जो कमर्शियल चैनल्स हैं, उनकी ज़बान वो होगी जो लोगों की समझ में आए। तो उर्दू बीइंग पीपल्स लैंग्वेज गॉट पेट्रोनेट फ्रॉम इंडियन सिनेमा। और एक वक्त था कि आप देखिए, कृष्णचंद्र बेदी, इस्मत चुगताई, अख्तरुल ईमान, साहिर, कैफी, जानसार अख्तर, राजा मेहदी अली, जोश ने लिखा है, शकील बदायूनी, मतलब एक अच्छा इंद्राज आनंद, राजेंद्र कृष्ण, ये सब उर्दू के राइटर, इंक्लूडिंग आनंद बख्शी, ये सब उर्दू राइटर, गुलजार, सब। उसकी वजह थी कि इनमें कम्युनिकेशन का आर्ट था, इन्होंने हमेशा जिंदा ही रहे कम्युनिकेशन से। और ये भी हुआ कि अगर चूंकि स्कूलों में कॉलेजों में उर्दू नहीं थी, वोकैबुलरी थोड़ी सिमटी, तो इन्होंने भी समेट ली थोड़ी सी, उसमें इजाफ़तें, उर्दू शायरा जो यहाँ लिखता है उसकी ज़बान में उतनी फ़ारसी अल्फाज की आमेजिश नहीं होती, उसमें इजाफ़तें नहीं होती, लेकिन उसका जो एस्थेटिक्स है, अगर जब जब अब भी मिलता है, हमारे पर ये बैठे हैं सामने इरशाद कामिल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बावजूद बाद मुखालिफ के इनको उतना साजगार वक्त नहीं मिला है जो इनके सीनियर्स को मिला। लेकिन ये कि ज़बान जो है वो फिर भी जहाँ उसे मौका मिलता है दिखाती है। हुआ क्या है कि वोकैबुलरी सिमट रही है समाज में। हम लोग जो हैं, ये नहीं कि उर्दू को हटा के कोई दूसरी लैंग्वेज डाल दी गई, हम लोग की लैंग्वेज ही ख़त्म हो रही है, लैंग्वेज की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जबकि हम ये नहीं समझते कि ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ज़बान ही तो आपकी आइडेंटिटी है। मज़हब तो आप कितने भी मज़हबी हों, 24 घंटे में 15 मिनट लगाते होंगे अपने मज़हब पे, बाकी वक्त तो ज़बान में होते हैं आप। तो जो इम्पोर्टेंस लोग रिलीजन को देते हैं वो बहुत एग्जैजरेटेड है, और जो अनइम्पॉर्टेंट ज़बान को देते हैं वो बहुत अनफेयर है। फैक्ट ये है, लोगों को अपनी ज़बानों से मोहब्बत होनी चाहिए, और थोड़ा अगर मज़हब से मोहब्बत कम कर लें, छोड़ें नहीं मेरी तरह, कम कर लें तो भी अच्छा रहेगा। आप जो आपका सारा वो कॉन्टेक्स्ट जो था, वो जानसार अख्तर और सब, ये कई बार बहुत हावी होने लगता है फैमिली का। किस पे? अपनी शख्सियत पर, अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे। मुझे बिल्कुल तो उस, आपको क्या कुछ जद्दोजहद उस पर करनी पड़ी क्या, कि कैसे उसमें नहीं, से निकलो? या वो क्या है, मतलब सोच वोच पे ऐसा नहीं, शुक्र है मुझे कभी ऐसा कुछ ज़्यादा, मैं ये टोकरा सर पे लेके नहीं चला कभी भी। लेकिन ये ज़रूर है, जब मैं लखनऊ में था तो मेरे मामू मजाज, मैं उन्हीं के यहाँ था, उसी घर में जहाँ मामू रहते थे, तो मैं यहाँ कॉलविन वगैरह स्कूल जाता तो कहते थे मजाज का भांजा है, तो कई बार इंट्रोडक्शन। फिर कॉलेज में भोपाल आ गया, भोपाल जो है वहाँ हमारे वालिद बहुत बरसों रहे, पढ़ाया उन्होंने हमीदिया कॉलेज वगैरह में, उनके बहुत दोस्त थे, तो वहाँ भैया जानसार अख्तर का लड़का है। तो वहाँ से निकल के फिल्म इंडस्ट्री में आया, कुछ पिक्चर भी चल गई हैं, वो फिर शबाना शादी कर ली, तो वो ये शबाना के हस्बैंड हैं। अब उसके बाद बड़ी मेहनत से कुछ गाने वाने लिखे, तो अब वो फरहान हिट हो गया। तो अक्सर मिलते हैं एयरपोर्ट पे लोग, फरहान के डैडी हैं भाई। तो ये तो मेरी किस्मत में बचपन से कुछ ये गड़बड़ चल रही है। तो लेकिन ये कि खैर, ये तो मजाक की बात हुई, ऑन अ मोर सीरियस नोट, मुझे कभी ऐसा कोई बोझा नहीं कि मेरे बाप ये और मामू वो और दादा। अरे भाई, जागीरदारी और शायरी में फ़र्क है, ऐसा थोड़ी है मरते वक्त बाप आपके नाम शायरी लिख जाएगा।
तो बल्कि आम तौर से बड़े अदीबों बड़े शायरों के बच्चे जो हैं वो को ख़ास मतलब ऐसा नहीं है उनका रुझान इधर ही होता है, रुझान इधर ही कोई ज़रूरी नहीं है, अक्सर नहीं होता, बल्कि मतलब ज़ाहिर है कि उन्हें इबरत का मौका मिलता है कि वो देखते हैं कि क्या हो रहा है तो वो शायरी और इस तरह की बुरी चीज़ों से परहेज़ करते हैं कि भाई ये ख़तरनाक इलाका है, इधर मत जाओ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा, बल्कि एक मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि मेरे दादा का कलाम जो अभी मैं छपवाने वाला हूं, इट हैज़ टेकन मी 10 ईयर्स टू कलेक्ट हिज पोएट्री, और वो 5 वॉल्यूम्स हैं, 6-6 सफ़े की किताबें होंगी, वो बहुत अच्छी शायरी है, मतलब खैर कहना बदतमीज़ी है, बुज़ुर्गों की तारीफ भी गुस्ताखी की बात है, मगर उनकी शायरी में जो बात मैंने एक और नोट की, जानिसार अख्तर साहब की शायरी पे उस शायरी का कोई अक्स नहीं, और मेरी शायरी अच्छी बुरी जैसी भी है लंगड़ी लूड़ी, लेकिन उस पर मेरे बाप या मामू की शायरी का कोई अक्स नहीं, जो सबके मिजाज अलग हैं, सबका मौजूआत अलग हैं। ये ज़रूर है कि मैं समझूंगा कि दादा से बाप और बाप से मुझ तक एक चीज़ आई है, ये पता नहीं दानिस्तगी से या नादानिस्तगी से, शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे, कि जहाँ तक हुआ है ज़बान जो है वो सादा आ रही है, उसमें वो शायद लखनऊ के स्कूल का असर हो, लखनऊ हमेशा से वो आरजू लखनवी साहब ने तो एक पूरी किताब ही लिख डाली थी ये दिखाने को, किसी ने चैलेंज किया था, आरजू लखनवी बहुत बड़े शायर थे, कि भाई आपकी उर्दू ठीक है लेकिन फ़ारसी अरबी लफ्ज़ों के बगैर क्या चल रहा है उसका, तो उन्होंने कहा आप ये ना समझिएगा, लफ्ज़ तो हम किसी भी ज़बान के इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हमारी जो ज़बान है वो सबसे अलग है, और उन्होंने ये साबित करने को एक पूरा मजमुआ दिया दुनिया को, सुरीली बांसुरी, जिसमें एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो फ़ारसी में या अरबी में रूटेड हो, वो साफ उर्दू है। तो दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ में हमेशा पर्शियन का इस्तेमाल और पर्शियन अल्फाज और तरकीब को इतना नहीं वो किया गया, चाहे वो मीर अनीस हों या कोई शायर आप देखें उनके कलाम में ये चीज़ दिखती है। अब मैं आपको चलते चलते आरजू के 2 शेर सुना देता हूँ, तो उसमें क्या होता है थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको। काली घटा में कौंदा लपका, वन में जो कोयल कूक गई, काली घटा में कौंदा लपका, वन में जो कोयल कूक गई, जितनी गहरी सांस खींची थी उतनी लंबी हूक गई। वाह 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 वाह। आप एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसे आप कहें कि ये पर्शियन से ताल्लुक़ रखता है। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। तो अब ये पूरी उन्होंने किताब लिख दी, तो शायद वो हम लोग की भी वही ट्रेनिंग होगी। तो ज़बान की सादगी तो एक ज़रूर है, लेकिन मौजूआत अंदाज फ़िक्र ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, मेरे बच्चों ने दोनों फिल्म बनाते हैं, बेटी भी फिल्म बनाती है, बेटा भी फिल्म बनाती है। आमतौर से होता ये है कि बाप ने जो फिल्में बनाई हैं, बाप की जो फिल्में कामयाब हुई हैं, कुछ उनकी झलक अक्स फिर बच्चों की फिल्मों में मिलता है, फिर आगे निकल जाए अलग बात। लेकिन उसने जो पहली फिल्म बनाई फरहान ने या ज़ोया ने जो, उसका मेरी फिल्मों से और उसके सिंटेक्स से कोई वास्ता ही नहीं। तो हम लोगों में एक बात विरसे में ये मिलती है कि हम विरसा नहीं लेते। बहुत अच्छा। तो अब शायरी की ओर आते हैं, आपकी शायरी की ओर, तो मुझे ये अक्सर ख्याल आता है कि आप जब सबसे मशहूर जब आपकी वो मजमुआ जब छपा था तरकश, और सबसे मशहूर क्या किससे नहीं उससे आपके आपकी जो शायरी से बंजारा, तो मैं ये आपको दरख्वास्त करती हूँ कि वो बंजारा सुनाइए, और उसकी जो स्पिरिट है वो एक होमलेसनेस की, और वो हम क्रिटिक्स के ऊपर वो जाहिर है वही है कि हम सोचेंगे शायद वो आपकी लाइफ के साथ भी जुड़ा होगा कहीं, क्या है आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए क्या है कि अब जो ठीक लगे वो लिख देता है आदमी, अब उसके बारे में खुद क्या सोचे वो सोचा था तो लिख दिया था, उसके बाद ज़्यादा सोचना तो मतलब एक मेरे ख्याल से अमजद साहब बेहतर बता सकते हैं, उनके सामने मैं शायरी के बारे में बात करूं कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये कि नज़में गज़लें शेर भी बच्चों की तरह होते हैं,
अब वो हो गए, अब उसके बाद वो बड़े हो गए भाई। तो अब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, तो उनकी अपनी एक शख्सियत हो जाती है। यही तो बंजारा की स्पिरिट है। सुना दीजिए। बहरहाल मैं आप अगर आपको मेरी नस नहीं पसंद आई तो अब नज़्म में कोशिश करते हैं। आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ये नई जो किताब है लावा, इसमें से एक आध नज़्म कोई, उसकी वजह ये है कि यहाँ हमारे अमजद भाई बैठे हैं, शुआब साहब हैं, दूसरे लोग हैं, मुझे अक्सर ख्याल होता है कि शायद ये नज़में इन लोगों ने नहीं सुनी हुई नहीं है, पुरानी तो मैंने पकड़ के उन्हें सुनाई दी थी। एक नज़्म है आंसू, किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है, ये आंसू क्या है, गवाह है मेरी दर्द मंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का, ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का, ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिल दोस्त दास्ता जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्ता तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है, ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था, मुझे तो शक है कि ये कहीं था, ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू यसीर आंसू, न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते झिझक गया था ठिठक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया। लावा के बाद भी आपने काफ़ी लिखा होगा, तो बताइए उसमें से कुछ नई नज़में मुझसे शेयरिंग हो जाए। अब तो मैं और बड़ी गलती करने वाला हूँ, अब मैं इनके सामने गज़ल सुनाऊंगा। क्या बात। देखिए कुछ शेर कदरे तवील बहर है, आजकल रवाज नहीं रहा है इस तरह की बहरों में लिखने का, लेकिन ये भी करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ज़रा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, ज़रा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, बहुत से जर चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगे, जहाँ इतने मसायब हों जहाँ इतने मसायब हों जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या, जहाँ इतने मसायब हों जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या, बहुत माकूल है ये बात लेकिन इस हकीकत तक दिले नादा को लाने में अभी कुछ दिन,
बहुत माकूल है ये बात, लेकिन इस हकीकत तक दिले नादा को लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कभी हमको यकीन था ज़ोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबा हो। कभी हमको यकीन था ज़ोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबा हो। हमें वो बात वैसे याद तो अब क्या है, लेकिन हाँ उसे यकसर भुलाने में अभी कुछ। हमें ये बात वैसे याद तो अब क्या है, लेकिन हाँ उसे यकसर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। कोई चलिए आगे शेर याद नहीं आ रहा है मुझे, कोई दूसरी गज़ल के शेर सुना देता हूँ। इसमें 6-7 शेर हैं, इसलिए कि अगर इधर लंबी हो तो थोड़ी उधर भी लंबी रखनी चाहिए। तो कल जहाँ दीवार थी, कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर, देखिए। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर, देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर, देखिए। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर, देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर, देखिए। पुरसकूं लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पुरसकूं लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर, देखिए। पुरसकूं लगती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर, देखिए। छोड़ के जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़ के जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाज़ार में, अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाज़ार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। ज़हन इंसानी इधर आफाक की वसत उधर, ज़हन इंसानी इधर आफाक की वसत उधर, एक मंजर है यहाँ अंदर के बाहर, देखिए। एक नाम नहीं लूँगा, मोहतरम शायर थे, उन्होंने एक मुशायरे में पढ़ रहे थे वो, तो लोग शरीफ सामय थे, सुनते रहे। एक शेर खामोशी से सुना, दूसरी तीसरा, तो कहने ले बाकी अशार भी ऐसे ही है करके बैठे। तो मेरे ख्याल से अब मैं भी ये कह के खामोश हो जा। ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहूँगी अब सवालात यहाँ से आए। मेरा ऐसा तजुर्बा है Q&A का, मैं बहुत इस आजमाइश से गुजरा हूँ बहुत बार, कि पहले दो सवाल बहुत मुश्किल से आते हैं, उसके बाद हर एक के पास दो सवाल होते हैं। तो पहली दो बिल्लियों के घंटी कौन बांधेगा। जी देखिए, मैं अब इसमें कहीं यकीनन माहौल का ताल्लुक है, जाहिर है कि जिस माहौल में मैं पैदा हुआ था, तो नानियाल में रहता था तो मजाज थे घर में, और बाप के घर में रहता था तो जानिसार अख्तर, और जाहिर है कि उनके दोस्त भी सब शायर थे, जितने बड़े बड़े शायरों का नाम, मैं बहुत इस मामले में अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। आज जितने फैज़ फिराक से लेकर जो भी आपको बड़े बड़े शायर जिगर जोश मालूम है, मैं इनके साथ घंटों बैठा हूँ बच्चे की तरह, फिर बड़े होके भी, ये लोग तो ज़्यादा वक्त तक रहे दुनिया में, जोश साहब तो जल्दी चले गए, जिगर साहब, लेकिन इनके साथ एज अ टीनेजर, एज अ यंग मैन, मैंने इनके साथ बैठ के बातें की हैं, सुना है और सवाल किए हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज था। और जहाँ आपको बच्चे को जो मालूम होता है कि भाई इस चीज़ पर कोई प्रीमियम है, तो उसका भी ध्यान जाता है। तो 12 साल की उम्र तक मुझे सैकड़ों शेर याद थे, और फिर 15-16 साल की में मैं लाख से ऊपर निकल गया था। तो मतलब राही साहब ने, डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने एक मज़मून लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों से मिला हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा शेर दो लोगों को याद हैं, एक सरदार जाफरी, एक जावेद अख्तर।
तो मुझे शेर बहुत याद थे मैं, और जब आप इतना याद होता है शेर तो आपको सौत का, वज़न का, मीटर का, इसका खुद ब खुद अंदाज़ा होने लगता है। मैंने कोई बाकायदा सीखा तो नहीं, तो मगर मैं लिखता नहीं था। और शायद एक वजह तो ये थी कि मुझे मालूम था अच्छी शायरी क्या होती है, तो उससे एक खौफ होता था कि भाई हम लिख पाएंगे कि नहीं। दूसरे ये कि चूँकि बाप शायर थे तो भाई अब बनिया का लड़का बाप से झगड़ा करेगा दुकान पे नहीं बैठेगा, अब मैं झगड़ा करूँ तो क्या करूँ, शायरी नहीं करूँगा, यही तो कर सकता था, तो मैंने वही किया। तो बहुत ज़माने तक मैंने शायरी नहीं की, मेरे दोस्त शायरी करते थे तो मैं मिसरा भी सजेस्ट कर देता था या उसमें कोई तरमीम कहता था यूँ से यूँ कर लो, खुद नहीं लिखता था। उसके बाद कई वजूहात हुई, मेरे फादर की डेथ हुई 1976 में, तब तक मैंने कुछ नहीं लिखा था। 1976 में 31 ईयर्स ओल्ड, इस उम्र में तो लोग शायरी छोड़ते हैं। तो वो फिर मेरी कुछ बहुत नौजवान शायरों से मुलाकात हुई, जिसमें हमारे अमजद साहब भी हैं, आप माने ना माने थे नौजवान ये तो आप लोग तो हर बात पे शक करते हैं तो, और इनसे मेरी 79 में ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हुई। तो ये लोग तो अभी तक जो शायर थे वो बुज़ुर्ग हमारे माने जाते थे, तो हमें भाई उस शायर का वही कुछ ख्याल था। अब ये जो कूल पोएट्स हमें मिले, एक उससे भी फ़र्क पड़ा कि भाई इतना कोई बुरा काम नहीं है, शायरी अभी भी लोग करते हैं। और फिर दूसरे के छोटे भाई ने शायरी शुरू कर दी, तो मैंने कहा भाई ये तो पूरा लेके भाग जाएगा। तो ये सब मिलजुल के शायद परवीन से भी उसी ज़माने में मुलाकात हुई थी, तो फिर धीरे धीरे शुरू कर दिया। और शायद एक वजह ये भी थी कि जब गया था मैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो जाहिर है कुछ साबित करने का, प्रूफ करने का शौक था। अब वो जब कुछ हो गया तो आपको मालूम होता है कि जो आप चाह रहे थे कुछ इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो कहीं वो भी दो ही सानहे होते हैं ज़िंदगी में, एक जो चीज़ आप चाहें वो न मिले और दूसरी एक वो मिल जाए। बात अच्छा, तो बात अच्छा। आपने शायरी की एक ही दौर में शायरी भी की और प्रोज भी लिखा, जाहिर है जी जी, दोनों जो मीडियम है ये टैलेंट वाइज थोड़े अलग, एक इमेजिनरी है एक ग्रॉस रियलिटी है। तो आपने ये ऐसे बहुत शायर नहीं है जिन्होंने प्रोज भी ज्यादा लिखा हो, तो ये कैसा आपका? बहरहाल पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो प्रोज़ मैंने लिखी है आपने उसे ग्रॉस रियलिटी कहा, इसलिए कि आमतौर से मैंने तो ये सुना इनकी फिल्मों में कुछ रियल नहीं होता, तो पहली बार ये हकीकत निगारी का मुझे तमगा दिया गया है, इसे मैं फौरन ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ये भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं फिर वापस वहीं जाता हूँ क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, तो अब जो मौजूद नहीं उसकी तारीफ़ करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये तो है कहीं की तरफ से। तो अब ये इतने उम्दा शायर, शगुफ्ता शायर, और क्या क्या इन्होंने प्लेज लिखे, जो टीवी प्लेज हैं इनके समंदर और ये वो कमाल के हैं। तो वही अच्छा, अहमद नदीम कासमी साहब वही हैं जो शायरी भी उतनी अच्छी करते हैं, और अफसाना निगार क्या खूबसूरत अफसाने उनके हैं। हमारे इशफाक साहब दोनों कामों में बताते नहीं हैं लेकिन दोनों काम नहायत महारत से अच्छी तरह करते हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हुए हैं, ये ज़रूरी है कि आमतौर से लोग या तो बॉलर होते हैं या बैट्समैन होते हैं, लेकिन ये बहरहाल ऑलराउंडर भी होते ही हैं। आप पूरा वक्त लीजिए और तफसील में बताइए। तो बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं जी। तो वाकई तफसील से बताए। देखिए एक बहुत आसान तरकीब है, शॉर्टकट है तबाह होने का, कि जब आदमी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। हमें अपने बारे में सोचने कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना चाहिए।
और वो काम ठीक हुआ नहीं हुआ, और अगर हो गया तो इसके मतलब नहीं कि अब हम हमेशा ठीक काम करेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा सोचना कि असल में मेरी शख्सियत का ये जो एक पहलू है, बट जहाँ ये जुमला शुरू हुआ तो समझिए इन साहब के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इन बातों से दूर, वो दूसरे बात करते रहे, सुन लीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ हो ये अच्छी बात है और लोग संजीदगी से करें ये भी अच्छी बात है, लेकिन खुद ज़्यादा संजीदगी से उस पर यकीन कर लेना बहुत ख़तरनाक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ एक सवाल है, इधर भी जी बताइए। मेरे भाई, इस वक्त तो सारी ज़बानों के मुस्तकबिल पे क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सानहा हो रहा है। हो क्या रहा है, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये संजीदा बात हुआ ये है कि जाहिर है वो आप वो जो क्लीशे है ग्लोबल विलेज, वो सब हो रही है दुनिया। अंग्रेज़ी की ज़रूरत और अफादियत जैसे जैसे कॉरपोरेटाइजेशन बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तो चाहती है कि भाई उसके बच्चे के पास अंग्रेज़ी हो और अंग्रेज़ी फैसिलिटी, और बिल्कुल सही चाहती है, उसमें यहाँ भी मुझे कोई गिला नहीं। अफसोस ये है, गड़बड़ ये हो रही है हमारे जो सिस्टम है एजुकेशन का, दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ योर मदर टंग। तो अब जो उर्दू है, उर्दू तो खैर ठीक है बेचारी यतीम जबान, मैं तो अपनी नेशनल लैंग्वेज हिंदी की बात करता हूँ जो हमारी राष्ट्रीय भाषा, उसके साथ क्या हो रहा, उसको एब्डिकेट कर दिया है मिडिल क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने। तो जो कल्चर होता है, जो एस्थेटिक्स होता है, जो पोइट्री होती है, जो लिटरेचर होता है, एक्सेप्शन दोनों तरफ हो सकते हैं कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में शायर पैदा हो गया या एक अफसाना निगार जो है एक मजदूर की औलाद है, ये भी वाकयात हुए हैं, लेकिन आम तौर से ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो होती है वो ज़बान को संवारते हैं, सजाते हैं, लिटरेचर को पैदा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी सी सहूलत भी है और थोड़ा सा गम भी है, तो वो सही लोग होते हैं ये काम करने के लिए। उसने ये ज़बान छोड़ दी, तो ये ज़बान गई कहाँ, वो उर्दू हो, हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो, वो जा रही है उन लोगों के पास जो अपने बच्चे को अंग्रेज़ी स्कूल नहीं भेज सकते। अब वो जिस ज़िंदगी में ज़बान और ज़िंदगी का वास्ता बड़ा गहरा होता है भाई, जैसी ज़िंदगी होगी, जैसे हालात होंगे, ज़बान वैसी ही ढलेगी, इसलिए कि उन्हीं अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी, उसी एक्सप्रेशन, उसी मेटाफर की ज़रूरत पड़ेगी जो उन हालात के लिए चाहिए, और हालात जन्म देते हैं मेटाफर को। तो ज़बान जब बदसूरत हालात में जाएगी तो उसमें बदसूरती जो है ऑस्मोसिस से आए, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते एक दिन जब वो मैथ कम्युनिकेशन में जाते हैं, चाहे वो टीवी पे हो, वो सिनेमा में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, वो एड वर्ल्ड में हो, तो पहली दफ़ा उन्हें आम आदमी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आम आदमी से बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो पूछते हैं, भाई ये लोग कौन ज़बान बोलते हैं, कहो हुजूर आप ही की मदर टंग बोलते हैं। अरे हमारी मदर टंग कहाँ है, लाओ भाई, अब पहली बार ज़रूरत पड़ी उन्हें, तो वो तो स्लम में है, तो उसे स्लम से लाए, और वो जो उस ज़बान की हालत हो गई थी वो समझते यही ज़बान है, और उसे फिल्म में इस्तेमाल करते हैं, उसे गीतों में इस्तेमाल करते हैं, उसे एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ ये इस्तेमाल हो जाती है तो बाकी समाज को कन्फर्मेशन मिलता है कि साहब जब ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, और हत्या फिल्म में और प्ले में और पॉलिटिकल स्पीच में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, तो यही हमारी ज़बान है। ये एक क्विक सैंड है जिसमें हमारी ज़बानें धस रही हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, और इसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं। ये मसला क्या है, मैं तो स्कूल में कॉलेज में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, डू यू लव इंडिया, यस वी लव इंडिया। मैं पूछता हूँ, एक बात बताओ, तुमको हिंदुस्तानी ज़माने, अगर आज ये वक्त आ गया कि अगर आप हिंदी सही बोल लेते हैं या उर्दू सही बोल लेते हैं तो इसके मतलब है आपकी अपब्रिंगिंग में गड़बड़ है कोई, आप कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली के नहीं हैं, ये हकीकत है। तुम्हें अपने मुल्कों की ज़बान नहीं पसंद, तुम्हें
अपने मुल्क के कपड़े नहीं पसंद, तुम्हें अपने मुल्क की म्यूज़िक नहीं पसंद, तुम्हें अपने मुल्क के खाने नहीं पसंद, तुम्हें अपने मुल्क का पसंद क्या है जो इतना दावा कर रहे हो मोहब्बत का? आपने ज़बान से काट दिया, आदमी ज़मीन से कट गया। ये हो रहा है, इसकी किसी को फिक्र ही नहीं। अब इसको जिंदा रखने के लिए आपकी सजेशन क्या है उन यूथ के लिए जो लोग जो यूथ बचपन से उर्दू से दूर रहे, स्कूल के पढ़ो, आप क्या चाहे मतलब आपके सजेशन क्या है हमारे जैसे यूथ के लिए कि हम लोग किस तरीके से काम करें? एक तो आप अपनी उम्र कुछ कम बता रहे हैं। है? मेरे दोस्त, ये इतना आसान मसला होता तो फिर क्या बात थी, लेकिन आप देखिए, मैंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की, मैं नहीं पढ़ा पाया। और क्यों नहीं, किसी ने मुझे बंदूक थोड़ी रख दी, खबरदार मत पढ़ाना, मुझे ही लगा कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चा सुबह जाता है स्कूल से, वो 4 बजे अपने वजन से बड़ा बैग लेके आता है, उसे होमवर्क करना। अब वो भाई सोएगा तो सुबह 7 बजे तो स्कूल जाएगा, 8 बजे स्कूल जाएगा, तो उसको हम 11 बजे तक तो नहीं जगाते बच्चे को, छोटे बच्चे को जो 8 साल का है, 9 साल का है, 7। तो उसे खेलने का वक्त भी चाहिए। फिर एक ट्यूशन टीचर भी आएगा उसका, जो उसका होमवर्क कराएगा और उसके साथ बैठ के उसके सबक कराए। इस बीच में मैंने एक टीचर रखा, तो आई फेल्ट दैट आई एम बीइंग क्रूल टू माई चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ माई सेल्फिश मोटिव, बिकॉज उनको तो फिर कोई वक्त ही नहीं बचता ज़िंदगी में। तो अल्टीमेटली मैंने हार मान ली कि भाई नहीं, मैं नहीं सिखा पाऊँगा। वो कहीं ना कहीं, एक तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमारी तालीम का ये ज़रिया होना चाहिए कि बच्चे को ये फैसिलिटी हो कि जहाँ वो ये पढ़ रहा है, कहीं कहीं तो लोग कहते हैं कि मदर टंग में उसे 8th क्लास तक पढ़ाना चाहिए और उसके बाद अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू करना चाहिए, जो ताकि वो दोनों ही चीज़ों में हो जाए। पहले उसके वो जो वायर्स बनते हैं आपके ब्रेन में, वो करेक्ट वायरिंग हो जाए उसकी अपनी मदर टंग की। 11 बरस की उम्र तक आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रोनंसिएशन, एक्सेंट करेक्ट ग्रास्प करते हैं, सकाट्री का या कहना है। 11 बरस के बाद आप जो भी जबान सीखेंगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेंट रह जाएगा, इसलिए कि वो एक्सेंट की वायरिंग 11 बरस की उम्र तक होती है। तो आप उस उम्र में ये दोनों जबानें बच्चे को सिखाने की फैसिलिटी पैदा कीजिए, ये ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारी जितनी लैंग्वेज, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, उर्दू है, कोई ज़बान है, उसमें उसको कुछ, अगर उसे एग्ज़ाम देना है सिविल एग्ज़ाम, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि ज़बान में वो दे सके। अगर उसको कहीं एप्लीकेशन देनी है उस कम से कम उस जगह, तो उसको राइट होनी चाहिए कि वो कर सके, तब उसकी ज़बान का कोई इस्तेमाल तो हो या उसे सीख के बैठ जाए, ये भी नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर कैसे की जाए मालूम नहीं। ये आखिरी सवाल होगा एक बस, अब वो आखिर में नहीं, आप थोड़ा अगर वक्त हो आपके पास तो दे दीजिए, मुझे कोई तरह से वहाँ से मुझे आया मैसेज। अच्छा, ठीक। साहब जिस दिन भी मुझे तजुर्बा हुआ मैं बताऊंगा। जावेद साहब, आई हैव बीन आस्क्ड टू वाइंड अप, आई हैव बीन आस्क्ड टू वाइंड अप। जी, जी। अच्छा, बाहर उठने से पहले मैं आपको सुना दूं, हमारे दोस्त राजदीप हैं, राजदीप सर देसाई, अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं। तो अब उन्होंने सोचा होगा, मेरा ऐसा अंदाजा नहीं, उन्होंने उसे कहा नहीं कि भाई मुझे हिंदी में भी अपनी प्रेजेंस कुछ तो रखनी चाहिए। तो उनके 2 चैनल थे, एक हिंदी में था, एक अंग्रेजी। तो उन्होंने एक तहिया किया कि अब मैं एक हिंदी चैनल पर भी एक इंटरव्यू खुद किया करूँगा। और उन्होंने सबसे पहले जिस गिनी पिग को ढूँढा वो मैं था। तो अब वो मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया और काफ़ी अच्छा है, सवाल वाल सही किए, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो पैर फिसलना था उनका। तो मुझे आखिर में, चूँकि आखिर की बात ऐसे याद आए, जावेद साहब पहले बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू हो गया, आपने यही किया है, फिल्में लिखी हैं, पोइट्री लिखी है, आप एक्टिविस्ट हैं, आपने ये किया, आपने कॉपीराइट के लिए वो कर दिया, फला के लिए, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। Oh my God!
तो मैंने कहा राजदीप आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि इंटरव्यू के बाद आप मुझे गोली मारने वाले। चलिए जावेद साहब, मैं ये सब नहीं करने वाली। मैं आपसे आपकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई थिंक दिस हैज़ बीन एक्सेलेंट। आपका जो वो एक्सट्रीमली विटी स्टाइल और उसी में छिपा हुआ बहुत सी लॉट ऑफ विजडम इन दैट, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी ग्रेशियस ऑडियंस एंड थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। उर्दू जबां का जादू हिंदोस्तां की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदोस्तां का जादू, उर्दू जबां का जादू, हिंदोस्तां का जादू, सारे जहां का जादू।